कभी गए हैं? नहीं नहीं मैं तो इसी साल पहली बार आई थी, तो पूरा पैदल नहीं गई थी, आधा। जब आप सुल्तानगंज से देवघर की ओर पैदल यात्रा में बाबा धाम की ओर पधारेंगे तो बहुत सारे शिविर मिलेंगे, लेकिन मैंने जब रास्ते से गुजर रहा था तो इस रास्ते में एक ऐसा शिविर मिला जो कि एक फौजी भाई के द्वारा संचालन होता है। वो देश की सेवा करते हैं शेष समय में, और 11 महीने के बाद एक महीना जो बचता है उस महीने में बाबा धाम आके, बाबा नगरी में आके बम भाई बोल बम का सेवा करते हैं। आखिर इनके मन में ऐसा क्या भावना आया जो इस देश की सेवा करने के बाद बचे टाइम में बम की सेवा करने आते हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? जी पंकज यादव नाम हमारा हुआ। कहाँ से हैं आप? हम नालंदा बिहार से हैं। नालंदा बिहार से आप फौजी हैं? जी जी फौजी हैं। कहाँ पोस्टेड हैं? अभी दंतेवाड़ा में है, छत्तीसगढ़। आपको पोस्ट क्या है? जीडी पोस्ट है। अच्छा, आप 11 महीने सेवा करते हैं देश की, उसके बाद एक महीना जो बचता है वो बम की सेवा में लगा देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा बाबा का भावना है। बहुत जगह ऐसे बने हम गए लड़ाई जंग में, बच गए हैं, गोली लगी हमारी बच चुके हैं, बाबा का कृपा असीम कृपा बना हुआ हमारे ऊपर है, आज मन धन से सेवा में लगे रहते हैं एक महीना आकर के बाबा के यहाँ। अच्छा, जब यहाँ सेवा करते हैं तो कभी देश का भी याद आता होगा, बॉर्डर का भी याद आता होगा? आती है, बॉर्डर की याद आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं, परिवार दुनियादारी सब भूल जाते हैं, लगता है बाबा में हम विलीन हो जाएं। अच्छा, और फौजी भाई को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और हमारे बजरंगी भैया है, वो बहुत हमको सहयोग करते हैं, एक महीना हमारे साथ बेचारा नाचते कूदते और हंसाते रहते हैं सारे लोग को। नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके साथ जो साथी हैं फौजी भाई हैं उनको क्या आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्या वो भी एक महीना आके यहाँ सेवा करें? हम तो सारे लोग से कहते हैं, वहाँ चर्च करते हैं, दिखाते हैं वीडियो, तो वो लोग को उत्सव रहता है, मन में जुनून रहता है कि हम चले और हमको भी ऐसा मैंने मौका मिले सेवा करने का। अच्छा, बिहार के वासी हैं फिर भी छत्तीसगढ़ सेवा शिविर क्यों रखते हैं? ये हमारे एक अनिता श्रीवास्तव वहाँ के हैं, और टिक्कम छत्री जी, विजय बचदानी जी, फंजुम हमदानी जी, सुरेश छत्री जी, झमझम दास, किशोर मधवानी, ये सब सारे मिलकर के शिविर लगाते हैं। बहुत सारे में टीम जुड़े हुए हैं, ये सब लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले रायपुर के हैं, सब मिलकर शिविर लगाते हैं, इसीलिए सिंधु कांवरिया सेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम से चलती है शिविर। मेरा नाम पंजुमल होतवानी। कहाँ से हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ कितने दिन से सेवा दे रहे हैं आप? अभी मैं यहाँ तो आज पाँचवा दिन है, मैं शिविर के अंतिम समापन के लिए आता हूँ। अच्छा, ये बताइए आप तन मन धन तीनों से देते हैं साथ या फिर तन और मन से? तन मन और धन तीनों से, क्योंकि हम लोग का शिविर जो लगता है हम लोग 4 महीना पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है, यहाँ आते हैं, ज़मीन का हिसाब देखते हैं, मंडप की तैयारी करते हैं, फिर रसोइयों की तैयारी करते हैं। अच्छा, आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन बिजनेस है। बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस को छोड़ के आप एक महीना के लिए यहाँ सेवा देते हैं? तो मेरे अब बच्चे बड़े हो गए, 45 साल का मेरा लड़का है, 18 साल का तो मेरा पोता है, मेरे को यहाँ बोलबम आया हुआ 34 साल हो गए, लगातार आ रहा हूँ बिना गैप के कोई साल, और अभी मैं 21 साल तक पैदल यात्रा किया हूँ, अभी ये 13 साल से मेरी सेवाएं चल रही है। कैसे कष्ट दूर करते हैं बम का? बम को झुमाते हैं, बम आता है पूरा थका हुआ, पूरा पैर में दर्द करता है, भजन गाते हैं थोड़ा रिलैक्स मिलता है, बम थोड़ा झूमता है, नाच लेता है, तो बोलबम करते हुए चला जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। कष्ट दूर नहीं होता, थोड़ा थकावट, थोड़ा ध्यान भजन के ओर ले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछेंगे, पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछना चाहेंगे कि आप सेवा करने आए हैं या कमाने आए हैं? देखिए, हम लोग कमाने के एरिया से नहीं रहते हैं, हम लोग भजन गा के जो सेवा होता है वही करते हैं बस। अच्छा, कोई गाना एक गा के सुना दीजिए भजन। हाँ, भक्ति में अभी आप बोल मम में हैं तो बोल मम का ही सुनाना होगा। हाथी ना घोड़ा ना से हैं आप? हम सिवान मैरवा से। सिवान से। अच्छा, कितना दिन से सेवा दे रहे हैं? ऐसे हम तो टीचर हैं लेकिन यहाँ पे 2 दिन का समय मिला तो आकर बाबा का सेवा में लगे हैं। अच्छा, तन मन धन तीनों से देते हैं या फिर तन मन से? नहीं, तन मन धन मन सब से देते हैं। अच्छा, तो सेवा देके कैसा लगता है? अच्छा फील हो रहा है। सारा फैमिली आए हैं? नहीं, हम पति पत्नी आए हैं, ये मेरे पति। क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम है प्रदीप वर्मा। कहाँ से हैं? मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सेवा करके कैसा लगता है? मैं आए थे बाबा यहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन जब मैं देखा सिंधु कांवरिया सेवा संघ का सेवा करते हुए तो हम आश्चर्य कर गए।
और हम सेवा करने पर विवश हो गए। मात्र आए थे हम बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन सेवा का जो भाव देखे यहाँ का, तो सेवा हम भी करने लगे और सुबह से सेवा में बाबा के लगे हुए हैं दर्शन करने के बाद, और कल तक लगे रहेंगे और परसों हम अपने गांव को जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप पैदल कभी यात्रा किए हैं? नहीं यात्रा किए हैं, वही तो आश्वर्य किए हैं कि अगली बार से हम पैदल यात्रा जरूर करेंगे। अच्छा, पैदल यात्रा करेंगे जी। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित्रा कुशवाहा, मैं बिहार के सिवान जिला से हूँ और मैरव प्रखंड के हूँ। और अच्छा, उम्र आपकी कितनी है? उम्र तो 50। 50। सेवा करके कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। हम तो चाहते हैं मेरे मुझे शंकर भगवान बहुत बल दे और ज्ञान दे, बुद्धि दे, जो हम दूसरों को सेवा करें। सेवा ही मनुष्य का परम धर्म है। अच्छा, आप ही सेवा करेंगे या आपके बाल बच्चे भी सेवा करेंगे? बाल बच्चा तो ईश्वर का दरबार है, उन्हीं को अपने दरबार में बुलाना है। हम तो जानते हैं कोई अपने मन से नहीं आता है, सब वो बुलाते हैं आ कोई आता है, बस अपना मन के से किसी का हिम्मत नहीं है। हम 20 साल पहले आए थे पैदल, पहले आए थे, आप पैदल यात्रा किए थे सुल्तानगंज से लेकर वहाँ पर गए थे, बाबा धाम जल चढ़ाए थे, अब फिर अब दोबारा मौका मने आए हैं, लेकिन पैदल नहीं आए हैं। क्या नाम है भाई? टीकम दास छत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। एक महीना यही करते हैं, एक महीना सेवा करते हैं। सेवा जब देते हैं तो कैसा महसूस होता है? उसके शब्द नहीं है बयान करने के। कैसे शब्द नहीं है? बोले ना तो शब्द दिए हैं, लेकिन बोला जाए कम है, उसकी आगे भी क्या हम बोलेंगे। ये दिल से आवाज निकलती है, जितनी हो सकता है हम सेवा करते हैं। अच्छा, आपका प्रोफेशन क्या है? हाँ, मैं अभी रिटायर हूँ। बाबा के नगरी में आके बेकार हो जाते हैं या फिर रिटायर हूँ? रिटायर बोल रहा हूँ। रिटायर है? बेकार क्यों? किस चीज से रिटायर है? मेरा बिजनेस था, मैंने क्लोज कर दिया, बच्चे लोग संभाल रहे हैं। और एक महीना के लिए 1 साल इंतजार करते हैं और 1 साल तक मतलब सेवा करते हैं, 1 महीना सेवा करते हैं। इनका वही काम अभी चल रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारी यहाँ की याद ना आती हो। इसके आगे तो शब्द ही नहीं है बोलने के, जितने बोले कम है। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? ब्रिज मोहन नेताम। अच्छा, ये बताए भोजन इंचार्ज हैं, कई ऐसे बम आते होंगे जो कि फल मांगते होंगे आपसे? उनको भी फल फरारी का भी हम लोग पर रहता है, साबुदाना का खीर हमेशा रहता है हर सोमवार को, और सोमवार को लाते हैं केला फल जो भी है। भंडारा का टाइम क्या है? भंडारा का टाइम यही 24 घंटा चलता है हम लोग का। कभी भी आएगा तो कभी भी आएगा मिल जाएगा, आप भी आ सकते हो। कभी भी रात को आ जाओ, कभी भी देखते हैं। अच्छा, जरूर आएंगे। हाँ। और भोलेनाथ के शरण में परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, वो खुद लेते हैं परीक्षा। हाँ। क्या नाम है बमजी आपका? बाबा ना खुद देते हैं। माइक बंद कीजिए तो बोलो, उधर जाना। क्या नाम है बमजी? कविता। कहाँ से हैं आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आप कभी पैदल यात्रा किए हैं? जी नहीं की हूँ मैं पैदल यात्रा, नहीं। सेवा करने आए हैं? जी यहाँ पे सिर्फ सेवा करने हैं। ये जो अभी जिनसे अभी आपने इंटरव्यू लिया वो हमारे पिताजी हैं, और हर साल ये 1 महीने के लिए बिल्कुल अपने तन मन धन सबसे सेवा देते हैं। उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं और वो हमको भी वही लेके आते हैं। हाँ, बस हम सबको, पूरे परिवार को, हम भी 4-5 दिन जितना हो सकता है हम भी आकर के सेवा देते हैं। तन मन धन तीनों से देते हैं या फिर आके सिर्फ वर्क? सब तन मन धन सबसे देते हैं। शुजियानी। कितना दिन से आप सेवा दे रहे हो मम्मी के साथ? 3 दिन हुआ है। पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है सेवा? तीसरी चौथी बार। कैसा लगता है सेवा? भगवान से क्या मांगते हो, भोलेनाथ से क्या मांगते हो? मतलब कि सब सही रहे। भोलेनाथ से क्या मांगते हो आप? सब बस सब सही रहे, सब पूरा परिवार खुश रहे हमेशा। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद सियानी। आप भोलेनाथ से क्या मांगते हैं सेवा करके? सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, बस इतना ही। सब स्वस्थ रहें। हाँ। क्या परिचय है आपका? प्रकाश चंद सियानी। कहाँ से? बिलासपुर छत्तीसगढ़, हमारा मोबाइल का दुकान है। ससुर जी हमारा जो गए ना अभी, वो ससुर जी हैं। लोग 3-4 साल से। 3-4 साल से कैसा लगता है सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ। अच्छा, आप क्या देते हैं यहाँ सेवा, आप क्या देते हैं पर्सनली? हम यही मतलब जो यहाँ सेवा चलती है वही देते हैं। हाँ। आइए जरा सही। आप क्या नाम है आपका? कृपा। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। अच्छा, कैसा सेवा करते हैं आप, क्या सेवा करते हैं यहाँ? मैं तो फर्स्ट एड देती हूँ। अच्छा, कोई भजन जानते हैं आप क्या? नहीं, मेरा तो पहला दिन है आज।
अच्छा आज पहला दिन है? हाँ जी, आज ही आए ट्रेन से। अच्छा, कैसा लगता है सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है। आज तक अंकल बोल के गए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे अच्छा, तो खुशी होता है। अच्छा, पैदल कभी जाना चाहेंगे बोलो? हाँ जरूर। कभी गए हैं? नहीं नहीं, मैं तो इसी साल पहली बार आई थी, तो पूरा पैदल नहीं गई थी, आधा।